भाई लोग फिर साहब अभी एक और बेहतरीन वाली नेचुरल जी टी फाइव एक्सपेंड एंड एनहेंस की गेम प्ले वीडियो में, भाई लोग पिछले वाली वीडियो की बात करें तो पिछले वाली वीडियो में हमने भाई डीएसपी को उठाया था, उसकी पूरी फैमिली को एलिमिनेट कर दिया था क्योंकि उसका शेख के साथ में कनेक्शन था और उसी ने हमारे ऊपर अटैक करवाया था शेख से बोल गया ना अपनी दुश्मनी निकालने के। तो हमने जब अपनी दुश्मनी निकालने पर आए हम तो भाई वो झेल नहीं पाया है ना, उसे भाई उठा लिया था हमने, लेस्टर के पास डिलीवर कर दिया। अब भाई लेस्टर उसकी कुटाई पिटाई करेगा, ठुकाई करेगा, उससे भाई इन्फॉर्मेशन निकलवाएगा, जो करना है लेस्टर करेगा, वो लेस्टर का काम है ना। और आज की वाली वीडियो में देखते हैं क्या होता है ना, मजा आए वीडियो में। तो पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के होना चाहिए है ना, थोड़ा बहुत नहीं भर के, ठीक है भाई लोग। तो अभी क्या कहते हैं, हम अपने होटल में ही हैं और हमारे पास आया था ट्रैवल का फ़ोन और ट्रैवल कह रहा था भाई कि इन्होंने डीएसपी कुटाई पिटाई करी अच्छे से और उसने क्या कहते हैं तोते की तरह साय राज भग दिए है ना। और इसने बताया कि डीएसपी कोई मतलब ऐसा मतलब मेन बंदा नहीं है शेख का है ना, ऐसा नॉर्मल सा ही बंदा है और इसलिए फिर इन्होंने भाई ठोक भी दिया उसे। अब सारे राजवाज निकलवा के उससे भाई ठोक दिया, अपने जो छोटे मोटे काम होता है शेख वही करवाता है डीएसपी से है ना, क्योंकि भाई शेख भी छोटा बंदा नहीं है, काफ़ी बड़ा बंदा है ना। तो डीएसपी वीएसपी को ऐसे ही रखता है अपने छोटे मोटे कामों के लिए। लेकिन हाँ, इसने हमें ये बताया शेख के एक लोंडे के बारे में, उसका नाम है मोहम्मद बिन जुनैद शेख के लोंडे का है ना। और वो वाला लोंडा जो है वो शेख के जितने भी लीगल बिजनेस होते हैं उन्हें संभालता है। ये उसके पास गया हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, तो जब भी उसके पास एक वकील आया था उसका और वो कह रहा था कि सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई डायमंड कैसीनो की। तो भाई डीएसपी ने उससे पूछा शेख के लोंडे से क्या बात है, कुछ हेल्प वेल्प चाहिए क्या, तो उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और ये क्या कहते हैं इस मैंने डायमंड कैसीनो खरीदा है। तो शेख का जो लोंडा है ना वो यहाँ पर लॉस सैंटोस में आया भी पहले इसलिए था क्योंकि उसे डायमंड कैसीनो में इंटरेस्ट था तो इसे खरीदना चाहता था, लेकिन भाई हमने क्या उसके घर पे हमला कर दिया था बहुत खतरनाक वाला और मतलब उसे लगा कि भाई अब क्या कहते हैं हमने उसी के ऊपर हमला करा है ना। तो इसलिए फिर वो उस घर में गया भी नहीं रहने, अब वो किसी और दूसरे होटल वोटल में रह रहा है। तो उसे लगा कि भाई हम डायमंड कैसीनो पे इन्फॉर्मेशन मिलते ऐसे हमला ना कर दें, इसलिए तो उसने इस बात को सीक्रेट रखा काफ़ी ज़्यादा कि डायमंड कैसीनो खरीद रहा है। और दूसरी बात ये कि उसने क्या कहते हैं डायमंड कैसीनो को ऐसा नहीं कि भाई पहले पेमेंट करके जब खरीदा, उसने कहा कि भाई मुझे थोड़ी देर मतलब ऐसी चाहिए, थोड़े से पैसे मैं दे दूंगा, सेटल होना है मुझे कैसीनो के अंदर और फिर क्या कहते हैं जब मुझे पसंद आएगा तो मैं खरीद लूँगा। भाई डायमंड कैसीनो वाला बंदा बेचना चाहता था अपना कैसीनो तो उसने हाँ भरदी इस बात की। उसने क्या कहते हैं शेख के लोंडे ने अभी तक ही डायमंड कैसीनो खरीदा नहीं था, बस अपने बंदे बंदे वहाँ पे लगा रहा था, पूरी सिक्योरिटी सेटल कर रहा था अपनी, ये सब चीज़ें कर रहा था। अब भाई उसने फाइनली डायमंड कैसीनो खरीदा है तो अब क्या है भाई हमें उस डायमंड कैसीनो पे हमला करने जाना है। और क्योंकि भाई वहाँ शेख का लोंडा पूरी तरह से सेटल हो चुका है तो वो वहाँ पे हमला करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इस पूरे के पूरे मिशन को सुपरवाइज करेगा खुद बिग बॉस यानी कि लेस्टर। तो ये लोग भाई लेस्टर को लेस्टर नहीं कोड नेम बिग बॉस बुलाते हैं। चलते हैं भाई अपनी गाड़ी लेके, देखते हैं सिमियोन ने हमारे लिए क्या भेजा है। ओ भाई सिमियोन ने भाई हमारे लिए वो भेजी है बेंटली कॉन्टिनेंटल सुपर स्पोर्ट्स, भाई तो काफ़ी बढ़िया कार है, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई इसके बारे में। अरे भाई म्यूजिक बंद कर ले यार, यूट्यूब कॉपीराइट ठोक देगा। खैर भाई बात करें इस कार की बेंटली सुपर स्पोर्ट्स की, तो इसके अंदर है भाई 6 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज W12 इंजन। हाँ भाई W जो इंजन होते हैं वो जनरली तुमने बुगाटी में सुने होंगे, लेकिन भाई इसके अंदर भी W इंजन है। वैसे जनरली तुमने बाकी की स्पोर्ट्स कार सुपर कार में V इंजन सुने होंगे, V12 V4 V16 V10 V10 जो कि ऑडी R8 में है ना, V12 जो कि अभी रिसेंटली आई लैम्बोर्गिनी में है। मतलब ये ऐसी है जैसे स्पोर्ट्स कार और रोल्स रॉयस के बीच की, रॉयल कार स्पोर्ट्स कार के बीच की, क्योंकि ये भक्ति तो एकदम स्पोर्ट्स कार की तरह है, चीज फील भी एकदम स्पोर्ट्स कार जैसी है, लेकिन वैसे ये रॉयल कार वाली चीज़ें भी हैं इसके अंदर, जैसे काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। भाई मैं इसके टायर का रगड़ा मार रहा हूँ फिर भी इतनी तेज़ जू नहीं हुई जैसे कि बाकी भाई लैम्बोर्गिनी में तुम सुनो तो भाई एकदम से जूम करके कर देती हो है ना, ऐसे इसके अंदर नहीं है। और देखो भाई कितनी भीनी भीनी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ये देखो भाई जो हल्की में टुक 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 करके आवाज आ रही होगी ना, ये भीनी भीनी सी आवाज इसके इंजन की है भाई, एकदम भूम करके करने की जगह इसके इंजन में ऐसी मधुर सी आवाज है ऐसी करके है। भाई बेंटली का लुक तो है ही है बेहतरीन सा। तो अभी चलते हैं हाइस्ट पे, लेस्टर से बात करने, पता करने क्या सीन है। ठीक है तो भाई लोग लेस्टर ने हमारे से यहाँ पे आने के लिए कहा था, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं एक बार, ठीक है, और चलते हैं अंदर एक देखने क्या सीन है। और अभी हमने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, यहाँ पे लेस्टर ने जो है ना पूरा सेटअप कर रखा है, यहाँ से वो हमें गाइड करेगा यहाँ तक जो है हमारी ट्रैवल वगैरह से बात हुई थी। और ये भाई लेस्टर टॉक्स करके है, हमें एक कूपन मिला था होटल से ही, मतलब कूपन क्या है कॉइन सा मिला था है ना, वो एक एक्सेस कॉइन है, एक जैसा एक्सेस कार्ड। तो वो क्या है यहाँ पे इसमें अगर वो लगेगा तो
तो ही ये खुलेगा ऐसे गेट, नहीं तो अगर कोई वैसे नॉर्मल सिक्का विक्का कुछ डालेगा तो लेस्टर टॉक करके जो मशीन है ये थोड़ा सा कुछ ऐसी उल्टा सीधा भविष्य भविष्य बताने लग जाएगी रैंडम सी चीज़ें। और लेस्टर ने भाई अपने नाम से लेस्टर टॉक इसलिए लिखवा दिया इस पर क्योंकि लेस्टर अब इतना वो नहीं है, मतलब मोस्ट वांटेड टाइप नहीं है, थोड़ा सा भूला भिसा सा बंदा हो गया लेस्टर। तो ठीक है भाई, तो अभी हमें इनका ट्रक मिला है एक जो वो है डायमंड कैसीनो वाले, और भाई ऐसा आर्मर ट्रक है पूरा जिससे इस पर कोई हमला हमला ना कर सके, और ये कैश वगैरह लेन देने के काम आता है वहाँ पे, मतलब जैसे डायमंड कैसीनो है भाई उसके अंदर ही बैंक जैसा ही सिस्टम है पूरा, है ना, बैंक जितने पैसा आता रहता है तो वहाँ से पैसा लेने के लिए या देने के लिए ट्रक लगता है। तो ये लेस्टर ने चुरवा लिया था पहले ही किसी से बोल के, तो भाई नॉर्मल फ़ोन वोन पे तो ट्रैवल से किसी और से बात करवाता है, एक एनक्रिप्टेड डिवाइस वहाँ पे रखा गया था हमारे लिए, उसके थ्रू लेस्टर हमारे से बात कर रहा है जिससे कि उसे ट्रैक ना किया जा सके, क्योंकि भाई लेस्टर अपना पूरा ध्यान रखता है क्योंकि वो भाई मेन बंदा है, बिग बॉस है, कोई और फंस गया तो वो बचा लेगा लेकिन वो फंस गया तो कोई नहीं बचाने वाला। और लेस्टर ने हमारे से कहा है कि तुमने ये काम कई बार कर रखा है तो मतलब ऐसे दिखाना जैसे तुम्हारे रोज का काम है, और अभी इंस्पेक्शन होने वाला है हमारे ट्रक का कि हम कुछ बम बम तो नहीं रख के ले जा रहे हैं, कोई बंदे बंदे तो नहीं लाए जैसे मनी आइस्टॉप पे वो बंदे भर के लगे थे ट्रक के अंदर। तो भाई यहाँ पे हमारे ट्रक का इंस्पेक्शन हो जाएगा और हमारे से बेसमेंट में जाने के लिए कहा है पूरा, भाई इतना बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है यहाँ का पैसे वैसे रखना, क्योंकि भाई यहाँ पे बैंक से भी ज़्यादा पैसा आता जाता है डायमंड कैसीनो के अंदर, भाई कैसीनो बहुत ज़्यादा वो है इसलिए शेख के लौंडे को इसमें इतना इंटरेस्ट था। ठीक है, यहाँ पे बंदे यही वाला मास्क लगा के आते हैं, ठीक है, तो इसलिए और नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बंदा पैसे भी लेके आता है ना उसकी भी आइडेंटिटी का ध्यान रखा जाता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। तो ये भाई मैन ट्रैप है, ये क्या कहते हैं पूरी भाई ऐसे टनल जो है ना ये ट्रैप है, मतलब इसके अंदर जो जाल है नीचे इसमें करंट वरेंट रहता है, तो भाई अगर और गैस वैस भी छोड़ सकते हैं शायद यहाँ से, तो अगर मतलब कोई यहाँ पे घुसने की कोशिश करे वैसे बिना परमिशन के या गलत तरीके से तो भाई उसका बहना फिक्स है, इतनी लंबी टनल वैसे ये भी नहीं कि एकदम से पार हो जाएगा। ये भाई जहाँ तक मैनेजर वैनेजर है यहाँ का, और भाई वॉल्ट खोल दी इन्हें भाई दे दिया घुसंड, रुक जाओ उसे सरप्राइज पिस्टल से ठोक हो दे नहीं तो बेहोश हुआ है अभी, उठ गया तो गलत सीन हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने काफ़ी सारा पैसा लूट लिया यहाँ से डायमंड कैसीनो से, और अभी हम जल्दी से भाग के बाहर निकलते हैं। और भाई लोग यहाँ पे हाई अलर्ट हो गया, अभी पुलिस वुलिस आ चुकी है, फटाफट बाहर भागना पड़ेगा। ये तो अच्छा है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है इस टाइम, ठीक है, लेकिन मैं निकलता हूँ जल्दी से। ठीक है भाई बाहर आ गया, और पुलिस पड़ रखी है अपने पीछे, यहाँ पे लेस्टर ने कार का जुगाड़ कराया था, मैं उसे ढूंढना है फटाफट पार्किंग में। ठीक है भाई साहब, ये है वो गाड़ी, और ये पूरी की पूरी एक आर्मर्ड कार है, ये चीज़ सही है भाई। और ये देखो भाई, ये ऐसे इन्हें ठोक सकती है, ओ भाई, और ये मतलब इस पर ना गोली लगने की ना कुछ होने का, और भाई ये फास्ट भी काफ़ी ज़्यादा है और मैन्युएबिलिटी भी इसकी काफ़ी तकड़ी है, और इसके टायर भी नहीं फोड़े जा सकते क्योंकि इसके अंदर भाई टायर नहीं है, रेल है पूरी, जैसी टैंक के अंदर होती है रेल ऐसी रेल है भाई साहब। भाई अपने सामने के सामने गाड़ी फोड़ रहा हूँ मैं, फिर भी इस गाड़ी को कुछ नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है भाई, टैंक है एक तरह से पूरा जिस पर छोटी सी 50 कैलिबर की गन लगी हुई है। भाई पानी में भी चल सकती है, ये तो बढ़िया चीज़ है, अभी मैं थोड़ी देर पानी के अंदर ही रहता हूँ, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की भी कमी नहीं हो रही। ठीक है भाई लोग, तो अभी रात हो गई है और हमारी गाड़ी जो है वो ट्रैवल ने भिजवा दी, और अभी एक थोड़ी सी गड़बड़ भी होगी भाई, अभी क्या कहते हैं जो शेख का लौंडा था वो मर गया, वो भाई जो बंदा ही था जो क्या कहते हैं कोर्ट वाला था जिसने वॉल्ट खोला था हमारे लिए हाइस के टाइम पे, भाई साहब वो शेख का लौंडा था, वो मतलब इंस्पेक्शन पे आया था, गार्ड थोड़ी देर के लिए जाना था गार्ड को कहीं, तो मतलब वैसे थोड़ी देर के लिए शेख का लौंडा खुद बैठ गया था वहाँ पे गार्ड की जगह, और भाई इतने में ही हम पहुँचे, उसे लगा कि भाई कोई वैसे ही होगा नॉर्मल बंदा पैसे वैसे कलेक्ट करने आया होगा, लेकिन भाई हमने उसे ठोक दिया और भाई गोली मार दी थी हमने उसे, तो उसका गेम ओवर हो चुका है अभी। और भाई साहब अभी लेस्टर ने ये बताया कि शेख जो है पूरा भड़का हुआ है, और उसने कहा कि अभी तो रात के टाइम वहीं चले जाओ अपने होटल पे ही, लेकिन जल्दी से जल्दी कोई और दूसरी जगह ढूंढ लो रहने के लिए, वहाँ रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और वैसे ये बेंटली कॉन्टिनेंटल सुपर स्पोर्ट्स की मैं तुम्हें एक बेहतरीन सी बात दिखाता हूँ, देखो जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और हमें लगा के ये तो गलत आ गए, कुछ नहीं ये, चलो भाई इस रास्ते चलते हैं हम, भाई इतना आसान ऐसे भाई ये बिल्कुल 180 डिग्री ड्रिफ्ट मारते हैं बहुत बढ़िया करके। और ये 007 का होटल, रशियन फ्लैग है 007 लिखा हुआ है, पता नहीं भाई अमेरिका के अंदर है, इसकी नेशनैलिटी कन्फ्यूज़ है, ठीक है। और भाई साहब चलते हैं फटाफट ऊपर होटल पे, रात को भी लगता नहीं यहाँ होटल के अंदर के रात वात हो रखी होगी, है ना, ये वॉल्ट में घुस गए हम गलती से यार, रात के टाइम पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है होटल के अंदर, अंदर तक का दिखता है भाई ग्लास की वजह से, भाई पूरा शहर दिखता है यहाँ से,
लेकिन हम ठोक नहीं सकते किसी को क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लास है, गोली यहीं रुक जाती है। यहाँ पे बाहर ग्लास होने की वजह से थोड़ा सा ये नहीं कि बिल्कुल चमक सी मारती रहे लाइटों की, लेकिन अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। और शेख के साथ अभी अपना मैटर हो गया और भी तकड़ा वाला, हमने उसके एक लौंडे ठोक दिया, एक लौंडा ठोक दिया। लौंडा भाई नाम था उसका मोहम्मद बिन जुनैद, अभी वो क्या कहते हैं ऊपर जा चुका है, ठीक है भाई गोली मार दी उसे, घुट मारा सो मारा, ठीक है। लेकिन भाई अब शेख जो है अपने पीछे हाथ धोके पड़ गया, पहले लौंडे ठोक दी उसकी, अब उसका लौंडा उड़ा दिया भाई, वो इसका लीगल बिजनेस है संभालता था वो वाला लौंडा। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना, तुम्हें इस वाली वीडियो में पता है क्या करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के जाना चाहिए, और हर बार की तरह मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ बढ़िया लेके, है ना।